हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम के अंडर मैं विजेंद्र कुमार, लेक्चरर आईपी। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस होती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर से प्रोसेस्ड डाटा को यूज़र तक अवेलेबल करवाने के लिए किया जाता है। ये प्रोसेस्ड डाटा यूज़र को डिस्प्ले फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकता है। इसको मेनली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। हम कंप्यूटर के आउटपुट या हार्ड कॉपी में ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं। हार्ड कॉपी मीन्स डाटा, टेक्स्ट या इमेजेस जो प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रिंटर या प्लॉटर के थ्रू अवेलेबल होती है, और सॉफ्ट कॉपी की शेप में या वो डिजिटल कॉपी में होती है, डिस्प्ले हो सकता है या फिर ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। पर ये जो सॉफ्ट कॉपी हमें डिजिटल या ऑडियो फॉर्मेट में होती है, या आप ये कहें कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, और हार्ड कॉपी हमें फिजिकली अवेलेबल होती है एक पेपर फॉर्मेट में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे पास दो कैटेगरी की आउटपुट आ सकती है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में। तो इसी तरीके से हम सेपरेटली इनको कैटेगराइज करते हैं। जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं उनमें है मॉनिटर। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मॉनिटर होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD और LED। इसके अलावा हमारे पास हम सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आउटपुट ले सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, और वॉइस फॉर्मेट में स्पीकर के थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं। दूसरी तरफ हार्ड कॉपी डिवाइसेस हमारे पास है प्रिंटर, प्लॉटर, जिनमें डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर हैं हमारे पास, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। टू टाइप्स के हमारे पास प्लॉटर होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैटबेड प्लॉटर। अब हम सभी आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। और मॉनिटर जो कॉमनली, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, मॉनिटर हमारे पास दो टाइप्स में आते हैं। एक है कैथोड रे ट्यूब और दूसरी टाइप्स के मॉनिटर हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉनिटर है हमारे पास CRT मॉनिटर, यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब यूज होती है, जो बेसिकली हमें डिस्प्ले प्रोवाइड करती है। इन मॉनिटर्स में स्मॉल डॉट्स से, यानी कि जिनको हम पिक्सल्स कहते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स बने होते हैं, और ये इन पिक्सल्स से ही हमारी कंप्लीट इमेज बनती है। तो एक मॉनिटर जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, यानी कि जितने छोटे पिक्सल्स होंगे और जितने ज़्यादा मात्रा में होंगे, उससे हमारी इमेज क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो ये मॉनिटर प्रेजेंटली अब कम ही यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके जो ड्रॉबैक्स है वो ये है कि ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मॉनिटर में हमारी दूसरी कैटेगरी है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। इन मॉनिटर को वॉल्यूम कम होता है, यानी कि ये मॉनिटर थिकनेस में कम होते हैं, वेट कम होता है, पावर सप्लाई भी ये कम लेते हैं, यानी इनको पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है। और ये मॉनिटर थिकनेस वाइज इतने पतले होते हैं कि आप इनको वॉल्स पर भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ये वेट वाइज या पावर रिक्वायरमेंट वाइज कम होने से
इन मॉनिटर्स या इस टेक्नोलॉजी को हम रिस्ट वॉचेज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कैलकुलेटर में यूज़ होती है, जो बच्चों को खेलने के लिए वीडियो गेम्स आती हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी लगी होती है, कंप्यूटर मॉनिटर्स में टेक्नोलॉजी होती है, और लैपटॉप कंप्यूटर्स हमारे हुए या अदर कोई ग्राफिकल डिस्प्ले हैं उनमें भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स यूज़ किए जाते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं, इमर्सिव डिस्प्ले और नॉन इमर्सिव डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर में जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में, और इसके एग्जांपल है प्लाज्मा पैनल और एलईडी। दूसरी तरफ जिन मॉनिटर में नॉन इमर्सिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया होता है वो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स को टू कन्वर्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्स इनटू ग्राफिकल पैटर्न। इसके एग्जांपल हैं एलसीडी। हम डिस्कस करेंगे दूसरी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, जो हमें एक हार्ड कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी आउटपुट बाय प्रिंटिंग ऑन पेपर। हमारे पास मेनली प्रिंटर जो है दो कैटेगरी में आते हैं, एक है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की फर्दर दो कैटेगरी है, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और दूसरी तरफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर, एंड ऑल्सो दे फिजिकली कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस द इमेज। ये प्रिंटर बहुत ही नॉइजी होते हैं जब ये प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके कॉस्ट की तो जो हमारे पास इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है वो बहुत कम होती है। ये प्रिंटर यूज़फुल होते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर्स प्रिंट करने होते हैं, उस समय यह हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं। इन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी कोई खास अच्छी नहीं होती, तो इनका उपयोग कम ही किया जाता है। आज के समय में मोस्टली ये प्रिंटर जो है यूज़ नहीं हो रहे हैं। इंपैक्ट प्रिंटर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, करेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। करेक्टर प्रिंटर्स में आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। द करेक्टर प्रिंटर प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम। ऑन द अदर हैंड लाइन प्रिंटर फर्दर, ये इसमें भी हमारे पास टू कैटेगरी है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, एंड दीज प्रिंटर कैपेबल टू प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। अब हम इंपैक्ट प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर। दीज प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये करेक्टर जो हैं डॉट से बनाते हैं, यानी कि एक करेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऑफ पिंस स्ट्राइक होती है पेपर पर और उनसे करेक्टर बिल्डअप होता है, और जो ये मैट्रिक्स ऑफ पिंस हैं इट मे बी 5x7 और 7x9 और 9x7 और 9x9, यानी कि इतनी पिंस लगी होगी, और जब इनको प्रिंट करना होगा दे स्ट्राइक द पिंस ऑन द पेपर एंड बिल्ड द करेक्टर। इस कैटेगरी के या इस प्रिंटर के हमारे पास एडवांटेजेस है कि ये प्रिंटर जो हैं इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम आती है। पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, क्योंकि अब जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंपैक्ट प्रिंटर का यूज़ कम हो चुका है, लेकिन पहले इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था ड्यू टू लो कॉस्ट,
और ये इनकी खासियत ये है कि ये करेक्टर के साथ साथ अगर हमें ग्राफिक्स भी प्रिंट करना हो तो ये प्रिंट करने में कैपेबल है, लेकिन क्वालिटी वाइज इसमें हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग डॉट से करते हैं वो क्वालिटी, जो करेक्टर क्वालिटी या ग्राफिकल क्वालिटी जो हमारे पास आउटपुट में आएगी वो कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रिंटर बहुत ही स्लो प्रिंटिंग करते हैं और प्रिंटिंग क्वालिटी भी पुअर होती है। करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद दूसरा प्रिंटर है डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर में करेक्टर व्हील पर प्रिंट हुए होते हैं, जैसा कि आप इमेज पर देख सकते हैं जो प्रिंटर के नीचे इमेज दे रखी है। इसमें हम देखते हैं कि जो एक व्हील बना हुआ है उसमें करेक्टर ऑलरेडी बने होते हैं, और जब प्रिंटर ने प्रिंटिंग करनी होती है तो प्रिंटर जो है इस व्हील को रोटेट करता है और व्हील पर जो करेक्टर बने हुए हैं उन करेक्टर को प्रिंटर का हैंड स्ट्राइक करता है एक रिबन के ऊपर, और रिबन के साथ जैसे पेपर लगा होगा तो वो इंक का इम्प्रेशन जो है वो पेपर पर आ जाता है। इन प्रिंटर्स में हम केवल करेक्टर्स को प्रिंट कर पाएंगे और केवल उन्हीं करेक्टर को प्रिंट कर पाते हैं जो इस व्हील पर बने होते हैं। यहां पर क्योंकि करेक्टर ऑलरेडी बने होते हैं वो जस्ट स्ट्राइक होते हैं, इस वजह से करेक्टर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के करेक्टर से बेटर आती है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो करेक्टर बिल्ड होते हैं वो बनते हैं डॉट से। तो वो करेक्टर जो हम डेजीविल प्रिंटर से प्रिंट करते हैं प्रिंटिंग, वो प्रिंटिंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग से बेटर होती है। ये प्रिंटर भी नॉइजी होते हैं और स्लो प्रिंटिंग करते हैं। अगर कॉस्ट वाइज देखें तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से महंगे होते हैं, लेकिन अगेन इनकी भी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है, इन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी से अच्छी नहीं होती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर प्रिंटर्स के बाद अब हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर की खासियत ये है कि ये प्रिंटर एक कंप्लीट लाइन एट ए टाइम प्रिंट करते हैं। ये दो टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट वन इज ड्रम प्रिंटर एंड सेकेंड इज चेन प्रिंटर। इन ड्रम प्रिंटर इट कंटेन मैनी करेक्टर्स दैट आर प्रिंटेड ऑन ड्रम। आप अगर आप इस इमेज की तरफ को देखें जो इसमें दी सामने दी गई है, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक रोलर यानी कि एक ड्रम दिया गया है और ड्रम पर डिफरेंट करेक्टर्स ऑलरेडी इम्बोज किए गए हैं, और जब प्रिंटिंग करनी होती है पेपर पर तो प्रिंट हैमर जो है वो स्ट्राइक होता है पेपर पर, और बीच में लगा हुआ रिबन है वो इस ड्रम के साथ टच होगा और जो करेक्टर है उसके इम्प्रेशन जो हैं पेपर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ड्रम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इन प्रिंटर का एक फ़ायदा है कि ये पिछले प्रिंटर के कंपैरेटिवली इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो ज़्यादा होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है, लेकिन अगेन दीज प्रिंटर ऑल्सो प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी प्रिंटिंग एंड ऑल्सो नॉइजी। लाइन प्रिंटर में सेकेंड प्रिंटर है चेन प्रिंटर। यहाँ चेन प्रिंटर में करेक्टर इम्पोज किए होते हैं एक चेन के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर दी हुई इमेज में देख सकते हैं। यहाँ चेन में करेक्टर इम्पोज किए होते हैं
करेक्टर बनाए होते हैं, जैसे कि आपने ड्रम प्रिंटर में देखा कि करेक्टर जो है एक ड्रम में बनाए होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये करेक्टर जो है वो चेन में होते हैं। और जब प्रिंटिंग करनी होती है तो वो चेन जो है वो रोटेट होती है, और उस लाइन में जहाँ जहाँ भी वो पर्टिकुलर करेक्टर चाहिए होता है उसको जो प्रिंट हेड है स्ट्राइक करके प्रिंट कर देता है। इस प्रिंटर में जो करेक्टर क्वालिटी है वो भी ड्रम प्रिंटर की तरह करेक्टर क्वालिटी अच्छी होती है, बट नॉट गुड लाइक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट क्वालिटी, एंड दिस प्रिंटर आल्सो नॉइजी। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, और ये प्रिंटर कंप्लीट पेज एट अ टाइम प्रिंट करते हैं। इन प्रिंटर्स की खासियत यह है कि ये कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में, ये फास्ट होते हैं कंपैरेटिव टू इंपैक्ट प्रिंटर्स, और नॉइज भी ना के बराबर करते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, ग्राफिकल प्रिंटिंग भी अच्छी क्वालिटी में करते हैं, और मोस्टली आज के समय में यही इसी कैटेगरी के प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। इसमें मेनली हमारे पास जो प्रिंटर है वो टू टाइप्स में आते हैं, नंबर वन इंकजेट प्रिंटर और सेकेंड इज लेज़र प्रिंटर। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर से प्रोसेस्ड डाटा को यूज़र तक अवेलेबल करवाने के लिए किया जाता है। ये प्रोसेस डाटा यूज़र को डिस्प्ले फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकता है। इसको मेनली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। हम कंप्यूटर के आउटपुट या हार्ड कॉपी में ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं। हार्ड कॉपी मीन्स डाटा टेक्स्ट या इमेजेस जो प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रिंटर या प्लॉटर के थ्रू अवेलेबल होती है, और सॉफ्ट कॉपी की शेप में या वो डिजिटल कॉपी में होती हैं, डिस्प्ले हो सकता है या फिर ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर प्रिंटर्स के बाद अब हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर की खासियत ये है कि ये प्रिंटर एक कंप्लीट लाइन एट ए टाइम प्रिंट करते हैं। ये दो टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट वन इज ड्रम प्रिंटर एंड सेकेंड इज चेन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर, एंड ऑल्सो दे फिजिकली कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस द इमेज। ये प्रिंटर बहुत ही नॉइजी होते हैं जब ये प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसके कॉस्ट की तो जो हमारे पास इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है वो बहुत कम होती है।
ये प्रिंटर यूज़फुल होते हैं जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर्स प्रिंट करने होते हैं, उस समय ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं। इन प्रिंटर्स की प्रिंटिंग क्वालिटी कोई खास अच्छी नहीं होते, तो इनका उपयोग कम ही किया जाता है। आज के समय में मोस्टली ये प्रिंटर जो है यूज़ नहीं हो रहे हैं। इन ड्रम प्रिंटर इट कंटेन मैनी करेक्टर्स दैट आर प्रिंटेड ऑन ड्रम। आप अगर आप इस इमेज की तरफ को देखें जो इसमें दी सामने दी गई है, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक रोलर यानी कि एक ड्रम दिया गया है और ड्रम पर डिफरेंट करेक्टर्स ऑलरेडी इम्पोज किए गए हैं। और जब प्रिंटिंग करनी होती है पेपर को पेपर पर, तो प्रिंट हैमर जो है वो स्ट्राइक होता है पेपर पर, और बीच में लगा हुआ रिबन है वो इस ड्रम के साथ टच होगा और जो करेक्टर है उसके इम्प्रेशन जो है पेपर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ड्रम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इन प्रिंटर का एक फ़ायदा है कि ये पिछले प्रिंटर के कंपैरेटिवली। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन, और ये प्रिंटर कंप्लीट पेज एट ए टाइम प्रिंट करते हैं। इन प्रिंटर्स की खासियत ये है कि ये कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में। ये फास्ट होते हैं कंपैरेटिव टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और नॉइज भी ना के बराबर करते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट सपोर्ट करते हैं। ग्राफिकल प्रिंटिंग भी अच्छी क्वालिटी में करते हैं, और मोस्टली आज के समय में यही इसी कैटेगरी के प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। इसमें मेनली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस की डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस, जिनमें है मॉनिटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर, देन आफ्टर प्रिंटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। तो अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट वर्क। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन वेरियस डिवाइसेस यूज टू टेक आउटपुट ऑन हार्ड कॉपी। द सेकेंड इज फाइंड आउट वेरियस डिस्प्ले डिवाइसेज इन योर सराउंडिंग्स एंड कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज इन दीज डिवाइसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इन असाइनमेंट्स के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।